हेलो दोस्तों, मैं रुपेश चौधरी जा रहा हूँ मुंबई से त्रिम्बकेश्वर और फिर शिरडी बाय रोड बाय बाइक। बजाज एवेंजर बाइक है मेरी। आज डेट है 16 दिसंबर और टाइम हो रहा है 8:30, 15 मिनट में यहाँ से निकलने वाला हूँ मैं। गूगल मैप पे चेक किया था, अप्रॉक्स 175 किलोमीटर है। मैंने 5 घंटे का टारगेट लिया है, लेकिन रात का टाइम है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हम लोग रात में स्लो जाएंगे, ज़्यादा फास्ट जाएंगे नहीं। ये आप देख सकते हैं, मैंने मेरे साथ में छोटा सा बैग लिया है, जो ज़रूरी सामान है वो मैंने लिया है साथ में। चलो नीचे चलते हैं, फिर निकल रहे हैं हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट, मैं आपको नीचे मेरी बाइक दिखाता हूँ। चलिए, ये है मेरी बाइक बजाज एवेंजर 220, जो लंबे सफ़र के लिए बहुत अच्छी बाइक है। ये एक और बुलेट है, गया है हमारा सेव भाजी और रोटी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसने सलाद में कांदा दिया है, जो अभी 180 रुपये किलो है। अभी जस्ट खाना खा के निकले यहाँ से। गाइस, ज़बरदस्त खाना दिया था और बिल कुछ भी नहीं था, 493 लगभग बिल था, जो कि कुछ भी नहीं है। होटल सदानंद, उसके अपोजिट में है होटल सागरिन। हम लोग अब पहुंच चुके हैं पावा ढाबा चाय पीने। जब भी आओ यहाँ की चाय ज़रूर पियो, बहुत अच्छी रहती है। एक बजाज एवेंजर है, दूसरी है रॉयल इनफील्ड मॉडिफाइड। चाय पियेंगे और निकलेंगे। लगभग टाइम हो गया है एक, यहाँ से 76 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से 76 किलोमीटर दिखा रहा है ना, तो अप्रॉक्स 2-2.5 घंटा लगेगा और पहुँचने में, 3.5-3 घंटे में पहुँच जाएंगे। और आज त्रम्बकेश्वर में ही रुकेंगे। ये है बाबा की पालकी, बाबा का ढाबा पे। कल सुबह निकलेंगे ये लोग। फ्रेंड्स, यहाँ कोई नहीं है, बस हमारी दो बाइक है, ना हमारे आगे कोई है और ना हमारे पीछे कोई है। ये रोड है त्रम्बकेश्वर का। इसे भूतिया रोड कहा जाता है समय। गाइस, अभी टाइम हो रहा है 3:10 और हम लोग त्रम्बकेश्वर पहुंच चुके हैं। मंदिर के गेट पे हूँ मैं। मंदिर पूरा परिसर तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई है ही नहीं। ये मेरी बाइक, मेरे लंबे सफर का साथी। फाइनली होटल, होटल का नाम क्या है पता नहीं, लेकिन ठीक आगे रूम देख लो, बेड भी है, वेस्टर्न टॉयलेट है, अच्छा है रूम, ठीक ठाक है। और ठंडी जबरदस्त दबा के चद्दर वद्दर ओढ़ के सोने वाले सब लोग, तो फर्क नहीं पड़ता रूम कैसा भी हो। सुबह हम लोग 10 बजे तक निकल जाएंगे। अभी पेंट किया, अभी टाइम हो रहा है 11:15 लगभग बज गया, 11:15 12, और हम लोग होटल से निकल रहे हैं। सब फ्रेश वगैरह पैकअप वगैरह हो गया है और नेक्स्ट डेस्टिनेशन शिरडी जाने वाले हैं। अप्रॉक्स 125 किलोमीटर है, 3 घंटे में पहुंचना चाहिए, लेकिन आराम से जाएंगे, कोई गाड़ी थोड़ी है। इंजॉय।
सोन नदी, देव नदी। त्रिम्बकेश्वर से शिरडी जाते वक्त हम लोग को रास्ते में नदी दिखी हाईवे से, तो हमने सोचा कि थोड़ा जाके सुस्ता लेते हैं। और अच्छा किया जाके, यहाँ पे पानी बहुत अच्छा है, मन तो कर रहा है नहाने का लेकिन नहा नहीं सकते, लेकिन अच्छा लग रहा है। सोन नदी, इसका कुछ नाम देव नदी है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत अच्छा है। अब यहाँ से निकल रहे हैं शिरडी के लिए। शिरडी दर्शन भी हो गया, सुबह का 9:30 बजा है। दर्शन मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से निकलेंगे, आप देख सकते हैं गेट मुख दर्शन किया है। अब निकल रहे हैं यहाँ से, नहा से नाश्ता करेंगे उडीपी में और फिर निकल जाएंगे। चलो हम लोग अभी पहुँचे हैं साई पैलेस में, जो मंदिर के ठीक सामने ही है। नाश्ता करने के लिए बड़ा ऑर्डर किया है, पटाटा वड़ा, बहुत अच्छा रहता है यहाँ का चटनी के साथ खाने के लिए। अब भी आओ तो एक बार ट्राई करो भाई। थोड़ा ऑर्डर आ गया है वड़ा विथ चटनी, आप ये वड़ा इस चटनी के साथ ट्राई करो, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। ज़रूर आके एक बार तो ज़रूर खा के जाओ। दर्शन भी हो गया, नाश्ता भी हो गया, आप निकल रहे हैं घर के लिए मुंबई। वाया घोटी जाएंगे इस बार, और टाइम हो रहा है लगभग 11:30-11:12 बज रहा है। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, 200-300 किलोमीटर अप्रॉक्स है, 5-7 घंटे में पहुँच जाएंगे। शिरडी के प्रवेश द्वार का गेट है जो आपको सामने दिख रहा है अभी, यहाँ से हम बस कुछ पलों में बाहर हो जाएंगे। ओम साई राम। दोस्तों अभी हम लोग हैं घोटी के रास्ते पे, एक गांव देवी मंदिर है जो हाईवे से दिख रहा था, तो हमने सोचा कि चलो ऊपर जाके देखते हैं। तो ये काफी ऊपर है रोड से, आप देख सकते हैं, रोड भी आपको शायद दिख रहा होगा, बहुत ऊपर है। देखो क्या हाइट है, ये मंदिर है, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। घोटी से निकल के घर पे जा रहे थे लेकिन रास्ते में प्लान बन गया कि चलो भंडारधारा रास्ते में ही आता है, लगभग 25 किलोमीटर अंदर है, तो भंडारधारा कैंपिंग करते हुए जाएंगे। तो अभी हम लोग निकल गए हैं भंडारधारा के लिए, रात सुबह ही नाइट कैंपिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे वहाँ पर सुबह सनराइज के बाद। दोस्तों हम लोग अब आ गए हैं भंडारधारा डैम। शिरडी से हम लोग घर के लिए निकले थे लेकिन रास्ते में अचानक प्लान बन गया, तो चलो यार लाइफ में क्या करना है, एंजॉय ही तो करना है, एंजॉय करो। कितना अच्छा व्यू है, जरा देख लो, जबरदस्त व्यू है और बहुत कॉस्टली भी नहीं है। आप लोग भी शिरडी से घर पे जाओ तो रास्ते में आ जाओ, मजा आएगा, एंजॉय करो। हम लोगों को करीब कितना 800 रुपया पर हेड लिया है, उसमें टेंट हाउस देगा, रात का खाना देगा, अभी का नाश्ता देगा, चाय देगा, फिर सुबह का चाय नाश्ता देगा, बोटिंग करवाएगा। आपके हाथी घोड़ा लोगे क्या? अभी शाम का टाइम है, सुबह वापस सनसेट हो रहा है, देखो सनसेट देखो पहले, फिर सुबह सनराइज दिखाऊंगा, पेट भर जाएगा तुम्हारा। चलो बोटिंग तो हम लोग किए थे उधर।
गाइस अभी हम लोग रात के 10 बज रहा है, भंडारधरा कैंपिंग में खाना खा रहे हैं। चिकन ग्रेवी दिया है, सूखा दिया है, रोटी दिया है, चावल दिया है, अच्छा खाना है, खा के भी देखा टेस्टी है। रात के 10 बज रहा है और अभी बोन फायर चालू है थोड़े टाइम पे, बस बहुत टाइम बैठने वाले हैं हम लोग उधर। अभी 12 बजे सोएंगे और फिर सुबह निकलना है। हम लोग अब सोने जा रहे हैं टेंट में, रात का 11:30 बज चुका है, ठंडी भी काफ़ी है। बहुत इंजॉय हुआ, खाना भी बहुत अच्छा मिला हम लोग को, बोन फायर भी हो गया, और सब सोना है, सुबह जल्दी निकलना है क्योंकि 11 बजे तक 1 बजे तक हम लोग को मुंबई पहुंचना है। तो चलो गुड नाइट। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी आ गया है और अब चाय आने वाला है। सुबह के बज रहे हैं 7:30, 10-15 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे, नहीं बोटिंग करना है, बोटिंग के बाद निकलेंगे। हम लोगों का कैंपिंग तो हो गया है, लेकिन एक दो सीख मिली है जो आपको बताना चाहता हूँ। ये जो कुत्ते इतने भोले वाले दिख रहे हैं, इतने भोले वाले है नहीं। रात को हमारे एक दोस्त का जूता लेके गए, सिर्फ लेके ही नहीं गए, उसका लेस निकाल दिए, जूता फाड़ दिए, और पता नहीं किसका किसका क्या क्या किए, खाना लेके गए, सब लेके गए। मेरे को मुंह देखो ना कितना प्यारा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, लेकिन उतना है नहीं, वो बहुत चापलूस है। ये देखो, इसको देखो, व्हाइट वाले को, चोमिया कहीं का। ये तीसरा भी आ गया, बहुत बड़ा ग्रुप है ये लोग का। रात को आना तो हेडफोन लगा के सोना पड़ेगा, इधर बहुत भूखते है। इधर बोटिंग स्टार्ट भंडारधरा, पानी ठंडा नहीं है।